मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के भाई करण सिंह खाचरियावास बने भारत नवनिर्माण पार्टी कार्यालय के प्रदेश अध्यक्ष। राजधानी सहित पूरे देश में करण सिंह की बड़ी व्यापक पहचान है और वे अपने तेवर की वजह से खासे चर्चित रहे हैं। आपको बता दें कि भारत नवनिर्माण पार्टी राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ेगी और पार्टी सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। पहली बार है जब करण सिंह भी अपने दम पर किसी नई पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। आज करण सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आम्बेडकर सर्किल पहुंचकर आम्बेडकर सर्किल को मनन कर पुष्प माला चढ़ाई। देखिए खास रिपोर्ट। मैं अपनी पार्टी के बारे में इतना ही कहूँगा, भारत का नव निर्माण करने ये पार्टी आई है और मुझे हिंदुस्तान के मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे राजस्थान की जिम्मेवारी दी है। वर्तमान के हालात को देख के मुझे अभी वर्तमान में 15 अगस्त के बाद मैं डॉक्टर साहब बाबा साहब के यहाँ इसलिए आया हूँ, मैं बाबा साहब को बहुत कुछ मानता हूँ। मेरे अध्यक्ष साहब ने मुझे इजाज़त दी है, दीनदयाल जी जाकर साहब ने, कि अभी वर्तमान के हालात अच्छे नहीं हैं, मैं आपके नेतृत्व में राजस्थान में आपको नेतृत्व देना चाहता हूँ और आपके द्वारा संविधान बचाओ जागृति लाओ यात्रा का श्री गणेश करना चाहता हूँ, इसलिए बाबा साहब के चरणों में भोग देने आया हूँ। देखिए आदि अनादि काल से ये चीज़ें होती आई है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हम जैसे लोग अभी विश्वास, न्याय, निर्माण और महिला उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, मजदूर उत्पीड़न, इंसान का साथ उत्पीड़न हो रहा है नेताओं के द्वारा, राजनीतिक परिदृश्य के द्वारा, हर आदमी पॉलिटिक्स का, पुलिस का, प्रेस का, प्रीस्ट का, ड्यू टू पब्लिक कमर्शलाइजेशन हो गया है। वर्तमान में हम जैसे लोगों को प्रजातंत्र नष्ट होता नजर आ रहा है, अराजकता का माहौल है, हर आदमी जातिवाद, सांप्रदायिक और आर्थिक आधार पर कंट्री को देख रहा है। जब इस कंट्री में इस तरीके के हालात होंगे, जहाँ पे इस वर्तमान में अनेकता में एकता वाला देश है, जहाँ पे इस देश को किस तरीके से माला बना के पिरोया गया था, आज कुछ लोग वर्तमान में गोड से को तो क्या कहते हैं, तो मैं जो गोड से की बड़ाई करते हैं उनको गांधी को जेब से निकाल देना चाहिए। जब मैं उनको मानूंगा कि वो गोड से को मानते हैं, पहले गांधी को न माने तो गांधी को जेब से निकालें। और जो आज पढ़े लिखे लोग थे वो तो अनपढ़ हो गए हैं और अनपढ़ लोग पढ़े लिखे हो गए हैं। वर्तमान का राजनीतिक परिदृश्य मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए संविधान को बचाओ जागृति लाओ इस यात्रा को लेकर मैं जनता से मिलने मुखातिब होने जा रहा हूँ। वहाँ पे मैं कहूँगा कि आपके द्वारा निर्माण किया हुआ प्रजातंत्र नष्ट हो गया तो राष्ट्र डूब जाएगा, इसलिए हमारा जन्म एक बार हुआ है, हम राष्ट्र को कुछ देने आए हैं। जय हिंद, जय भारत। कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? 200 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी, हम दावा कर रहे हैं। हिंदुस्तान और राजस्थान की पब्लिक ये आपको 10 दिन बाद रिजल्ट दिखा देगी। कितनी सीटों तक आप उम्मीद कर? देखिए आने वाला कल ना तो आपने आज देखा है, ना कोई किसी ने देखा है। जब मैं काम करूंगा, ये कर्म प्रधान है, जैसा मैं कर्म करूंगा वैसा मुझे ईश्वर फल देते चले जाएंगे, इन चीजों में विश्वास ज्यादा रखता हूँ। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।